इंदौर में एक बार फिर मामूली बातचीत और शराब पीने के दौरान हुए विवाद के बाद में सुबह फिर से इस विवाद को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद में युवक ने धारदार हथियार से मृतक पर कई वार कर दिए, जिसमें मृतक को मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। दरअसल पूरा मामला राव थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक ही कॉलोनी के रहने वाले कुछ युवकों में बीती रात को शराब पीने के दौरान मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद में आज सुबह फिर उसी बात को लेकर यहां पर यह लोग इकट्ठा हुए, जिसको लेकर योगेश उर्फ पन्नी पर मुरली नामक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद आसपास खड़े लोग घायल युवक को यहां पर तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पूरे मामले में पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि योगेश उर्फ पन्नी की मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस तमाम सबूतों को जुटाने में लगी हुई है। वहीं पर हत्या की जो बात सामने आई है उसमें उसको लेकर परिजनों में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, आज राव के अंदर एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें 12:30 से 1 बजे के बीच में एक मुरली करके एक लड़का है, जिसने योगेश उर्फ पन्नी को चाकू, सबसे पहले तो चाकू से उसके ऊपर वार किया। तत्पश्चात उसको जब पुलिस ने हॉस्पिटल में एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया तो उसकी मृत्यु हो गई। पूरे घटनाक्रम में ये दोनों एक राव में एक ही आसपास रहते हैं, एक ही कॉलोनी के रहने रहवासी हैं ये, और दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। जो मृतक है उसके भी कुल 7 अपराध पंजीबद्ध हैं और थाना राव के अंदर रजिस्ट्री शीटर भी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो मुरली है उसके ऊपर भी 3 आपराधिक मामले पहले से पंजीबद्ध हैं। कल रात को इनका शराब पी के किसी बात को लेके विवाद हुआ था, तत्पश्चात इन दोनों के बीच में गाली गलौज भी हुआ था। उसके पश्चात आज उसका बदला लेने के लिए दूसरा एक पक्ष दूसरे पक्ष के पास आता है और उसको तैश में आके चाकू मार देता है। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी है, जिसके द्वारा चाकू चलाया गया था मुरली, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें फिर फर्दर विवेचना हो, इसमें 103 का मामला भी पुलिस द्वारा पंजीकृत कर लिया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।